नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे। हम लोग सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चला रहे थे। वो सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में हम लोग राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, सब पढ़ चुके थे। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा आपको और कि अरुणाचल प्रदेश भारत के किन स्थान पर है, किस स्थान पर है, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर है। तो अब से हम लोग जो है मैप भी पढ़ेंगे साथ में। मैं जो है उसमें मैप ऐड कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से जो है ये समझ सकें कि कहाँ पे इस्टेब्लिश है अरुणाचल प्रदेश, भारत के नक्शे में कहाँ पर है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये जो क्या है, ये भारत का मैप है। देखिए एक मिनट, हाँ देखिए ये भारत का मैप है। हाँ, और ये हम लोग पढ़ रहे हैं अरुणाचल, ये हम लोग पढ़ रहे हैं ये पूर्व, एक मिनट, हाँ ये पूर्व का जो एरिया है ना, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश के बारे में कर चुके हैं। थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं तो वो आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश, ये जो एरिया है इसके बारे में। ये देखिए चारों तरफ से इस साइड से ढका हुआ है, ऊपर से चीन है, ये ऊपर का तिब्बत और चीन का इलाका है। साइड में, इधर साइड में बर्मा आता है, इधर म्यांमार है, यहाँ पर म्यांमार है। ठीक है, आज हम बच्चों पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश को। हम अलग से भी दिखाते हैं आपको, अलग से मैप में, जिससे कि और भी क्लियर हो जाए आपको कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश। ये साइड में आप मैप देख रहे हैं ना, भारत का ये मैप, ये भारत का ये मैप है। और इस साइड में आपके ये है अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, ऊपर आपकी चीन है, ये आपकी चीन है, और नीचे म्यांमार आता है। ठीक है, और यहाँ से आपकी बहती है, इधर से आपकी तिब्बत से ही आती है, कौन सी नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी, बहुत ही प्रमुख नदी है, जिसको कि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांगपो। ठीक है, आज हम लोग बच्चों क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे असम, असम के बारे में, असम राज्य। तो चलिए असम राज्य देखते हैं। ये देखिए ये असम है, ये असम है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, हाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये साइड में क्या है, असम है। ठीक, ये भारत का साइड में मैप देख रहे हैं ना, बीच में ये असम है, ऊपर उसके अरुणाचल प्रदेश था। हाँ, तो जो अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है, तो असम की भी प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तथ्य पे। ठीक, आइए, असम एक बार भारत के मैप में भी देख लीजिए। ये देखिए बीच में असम आया है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए असम की राजधानी आप लोग पढ़ चुके हैं, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। यहाँ की जनसंख्या, असम की जनसंख्या 30.94 मिलियन है, 3 करोड़ के लगभग आती है यहाँ की जनसंख्या। क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल इसका 78.78438 है, 78,438 वर्ग किलोमीटर आता है यहाँ का क्षेत्रफल। जिला यह 27 है। जिला के बारे में बच्चों ऐसा है कि जैसे कि वहाँ की अपनी जो राज्य सरकार होती है, वहाँ के स्थिति को देख के जिला बढ़ती भी हैं। जैसे कि अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में 70 जिले थे तो अब 75 हो गए हैं, तो वैसे 37-27 जिला पहले था, तो अब ये हो रहा है वर्तमान में कि 2019 के वहाँ पे जो हुई थी जनगणना, या फिर वहाँ की जनगणना ही समझ लीजिए, वहाँ पे जो हुई थी उसके अनुसार ये हुआ था कि वहाँ 33 जिले हो गए थे, लेकिन
आप गूगल पे सर्च करेंगे या कहीं भी, तो 27 ज़िले ही माने हैं असम में, ठीक है। तो ये ज़िला इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक बच्चों, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए हमें। हाँ, अब देखिए राजभाषा, अब राजभाषा क्या है यहाँ की, राजभाषा बच्चों, राजभाषा क्या है यहाँ की, असमिया। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या थी, हमने बताई थी, वहाँ की राजभाषा थी, वहाँ की राजभाषा थी इंग्लिश, इंग्लिश थी। और यहाँ की राजभाषा है असमिया। गठन है 26 जनवरी 1960। अब यहाँ से टैली करते हुए आप ज़रूर चलिए अरुणाचल प्रदेश को, और अरुणाचल प्रदेश को और असम को। इससे क्या होगा कि इससे आपको और अच्छे से जानकारी हो जाएगी, मतलब आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा, तो असल याद करने या आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि असम की है, गठन हुआ है 26 जनवरी 1960 को, तो अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, 20 फरवरी 1987, ठीक है, 20 फरवरी 1987। आगे बढ़िए, राज्यपाल ये भी हम पढ़ा चुके हैं। राज्यपाल कौन कौन है वहाँ के, जगदीश मुखी जी हैं। मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल जी हैं, भाजपा के हैं। विधानसभा सीट वहाँ की 126 सीटें हैं, विधानसभा सीट कितनी है, 126 है। राज्यसभा 7 सीटें हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं। नदियाँ, प्रमुख नदी बच्चों वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है। अरुणाचल प्रदेश, आपके अरुणाचल प्रदेश, असम और आपके इधर नागालैंड साइड में जितनी भी वो नदियाँ हैं, उसमें सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। और उसी की जितनी भी नदियाँ सहायक नदियाँ निकली हुई हैं, तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग पूछा भी जाता है। सुवनसरी देख लीजिए, सुवनसरी, भरेली, धनसिरी, मानस, इसमें से महत्वपूर्ण ज़्यादा पूछा जाता है, सुवनसरी, मानस, लोहित, दिसांग और दिसांग, ठीक है। इतनी नदियाँ, वैसे तो बच्चों असम की जो नदियाँ हैं उसमें देखा जाए तो 35 सहायक नदियाँ आपको मिलेंगी, 35 सहायक नदियाँ। और लेकिन इसमें से प्रमुख नदियों के नाम ही जो है हम दे रहे हैं। जातियाँ, अब देखिए जातियाँ, असम में जो जाति निवास करती है वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे अहोम, कौन कौन सी, अहोम, सूतिया, भरान, मटक, दिमासा, बोडो, राभा, तीवा, कार्बी, ताइफा के और कुकी, इसमें कुकी जनजाति, बोडो जनजाति और अहोम जनजाति महत्वपूर्ण है, ठीक। और अब ये देखिए आगे बढ़ते हैं, प्रमुख मिट्टी, असम की प्रमुख मिट्टियाँ, असम की प्रमुख मिट्टी कौन कौन सी है, कांप और लैटराइट मिट्टी। अभी कांप मिट्टी आपको थोड़ी सी नई लग रही होगी, लेकिन ये बाढ़ के क्षेत्रों में पाई होती है, ठीक है, नदियों के बाढ़ क्षेत्र में पाई जाती है ये कांप मिट्टी। और जब यहाँ पे धान, जूट, दाल, तिलहन इत्यादि फसलें बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। और लैटराइट मिट्टी तो आप जान ही रहे होंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में लैटराइट मिट्टी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, हाँ, तो वहाँ पर फसलें कैसे होंगी, फिर पर्वतीय क्षेत्र है, लैटराइट मिट्टी होती है, तो वहाँ पर चाय की खेती होती है ज़्यादा मात्रा में, और अधिकांश भाग होते हैं वो वन आच्छादित होते हैं, वनों से घिरे रहते हैं, ठीक। और राजकीय पशु क्या है वहाँ पे, असम में देवहंस है, उसको क्या बोलते हैं, श्वेत डेनू वाला बत्तख भी बोलते हैं, श्वेत डेनू वाला बत्तख भी बोलते हैं। राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाले गैंडा, असम में एक सींग वाला गैंडा प्रसिद्ध है, ठीक है, और वो वहाँ का राजकीय पशु भी है। लोक नृत्य, लोक नृत्य क्या क्या है असम में, बिहू, बागुरुम्बा, बिहू और बागुरुम्बा, ये बसंत में आयोजित किया जाने वाला नृत्य है बागुरुम्बा, भोर नृत्य और ओजापली। राष्ट्रीय उद्यान बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ज़रूर याद करिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, माजुली द्वीप। जो ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती है ना, ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है, प्रमुख नदी है, उससे जो सहायक नदियाँ निकलती हैं, उससे उस सहायक नदियों से ही जो है ये बनी बन गई है ये माजुली द्वीप, ये बहुत बड़ी द्वीप है माजुली द्वीप। और क्या है, देहिंग पटकी उद्यान है, मानस नेशनल पार्क है, नमेरी नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क, ये ओरंग नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, मजूली देव, डिब्रू, काजीरंगा, वैसे तो इसमें सभी इम्पॉर्टेंट हैं, ये सभी आप रोज़ रिवीजन किया करिए इसका, जब आप रोज़ रिवीजन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी।
अब देखिए वन्य जीव अभयारण्य जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसमें दो इम्पॉर्टेंट है, एक पोटिटोरा वन्य जीव अभयारण्य है और दूसरा चक्रशिला वन्य जीव अभयारण्य है, पोटिटोरा और चक्रशिला वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है दोस्तों। अभी असम के बारे में इतनी सारी नॉलेज आप लोगों ने कलेक्ट की, थोड़ी सी उसके सरकार के बारे में भी जान लेते हैं, आजकल सरकारें वहाँ पे कर क्या रही है। असम की सरकार जानते हैं वहाँ पे बहुत सारी योजनाएं भी लॉन्च की है असम की सरकार ने, यानी कि सर्वानंद सोनोवाल जी ने बहुत सी योजनाएँ की, जैसे अरुंधति स्वर्ण योजना है, हाँ, और बाल अधिकार उल्लंघन के लिए शिशु सुरक्षा ऐप भी लॉन्च किया गया है। और जानते हैं बच्चों, दो से अधिक बच्चे बच्चे यदि वहाँ पे पैदा होंगे, एक उन्होंने एक योजना वहाँ पे लागू की है, यदि वहाँ पे दो से अधिक बच्चे होंगे जिनको भी, तो वहाँ पे उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। ये तो बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर के उन्होंने एक योजना लागू की है। और एक सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरा खेलो इंडियन यूथ गेम्स शुरू किया गया था गुवाहाटी असम में, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ये अक्सर भी पूछा भी जा सकता है, ये अभी हाल का ही है कि तीसरा खेलो इंडियन यूथ गेम्स कब कहाँ शुरू किया गया, गुवाहाटी असम में शुरू किया गया था, ठीक। तो बच्चों आप लोग इस वीडियो को एक से दो बार ज़रूर देखिएगा, मैप में देखिएगा जहाँ इसका कहाँ पे इसका लोकेशन है, उसको जाने की कोशिश करिएगा, हाँ। और इसकी जो सेवन सिस्टर्स हैं, वन बाय वन हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से अध्ययन करेंगे। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। और बच्चों हंसते रहिए।